महीने यू कांग्रेस एनएसयूआई वरिष्ठ कांग्रेस के सभी साथी और आसपास के गांव से पधारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण, माता बहने और बड़वानी के नागरिक बंधुओं, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बड़वानी के भविष्य का चुनाव है, बड़वानी के विकास का चुनाव है। बड़वानी के अंदर हम लगातार कई वर्षों से ऐसे प्रतिनिधि चुनते चुनकर आ रहे हैं जिन्होंने हमारी आवाज को विधानसभा में बुलंद नहीं की। साथियों, आज समय का चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है और जो विधायक है उसको हम एमएलए बोलते हैं, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेंबर है विधानसभा का। और विधानसभा के अंदर, उस विधानसभा के अंदर जहां से क्षेत्र के लिए योजनाएं बनती, क्षेत्र के लिए बजट तैयार होता, क्षेत्र के लिए वहां से आवंटन होता और उस सदन में कानून बनते हैं, वहां का प्रतिनिधि हमको चुन के भेज रहे हैं। हम कैसा प्रतिनिधि भेजते जा रहे हैं बार बार? एक अनपढ़ अज्ञानी जिसको कानून का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा भी शिक्षित नहीं है, ऐसा मजबूत हम बार बार भेज रहे हैं। जो सदन के अंदर जब कानून बनते हैं तो मौन रहते हैं, ये आसपास देख लेते हैं कि हमारे पार्टी के व्यक्ति थाली बजा रहे तो ये भी थाली टोक लेते हैं, बाकी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस पे बहस हो रही है, किस पे चर्चा हो रही है, इनको कुर्सी मार। और उस सदन के अंदर क्षेत्र के लिए बजट आवंटन की बात है तो क्या बजट आवंटन करवा के लाएगा? जिस व्यक्ति की वहां अनुपस्थिति सबसे ज्यादा है, हमने जितने भी विधायकों की सदन के अंदर उपस्थिति रहती है सबसे कम महोदय की है, तो ये जिस जो व्यक्ति उस सदन में सबसे कम जाता है, जहां विधायक लोग अवसर देते हैं कि कब सदन का सत्र प्रारंभ हो और हम अपने क्षेत्र की वहां समस्या रखे, हमारे क्षेत्र की विकास की बात करें और वहां से हम फंड आवंटित करवाएंगे, हमारे क्षेत्र में विकास करवा पाए। ये जो व्यक्ति कभी कोई गाँव में जाके दौरे नहीं करते, गांव के लोगों से कोई योजना तैयार नहीं करते हैं, कभी शहर में नहीं घूमते, शहर के लोगों से कोई योजना नहीं मांगते, तो ये व्यक्ति वहां विधानसभा में आपके लिए क्या बात उठाएगा, कैसा क्षेत्र के विकास की बात कराएगा? और ये जो कुछ भी बजट आ रहा है बड़वानी जिले में, वो तो क्या है कि जनसंख्या के अनुपात में देना ही पड़ता, जनसंख्या के अनुपात में जो पैसा, जो फंड हमारे बड़वानी में आ रहा है उतना ही नहीं काम हो रहा है, बाकी कोई विशेष फंड, विशेष योजना इस बड़वानी जिले के नहीं, जिले को नहीं मिल रही है। और जो कुछ बातें भी ये करते हैं तो जो इर्द गिर्द कुछ दलाल किस्म के लोग और कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके कहने अनुसार चलते हैं। आप देख लीजिए, विधायक का पद बहुत गरिमा वाला पद है और बहुत महत्वपूर्ण पद है, लेकिन उस पद की गरिमा ही खत्म कर दी। और उससे बड़ी बात तो यह है कि वो क्या है, पिछली बार जनता ने तो कांग्रेस सरकार बना दी थी और झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा सहित सब दूर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन एक मात्र बड़वानी का विधायक भाजपा से जीता हुआ था, जिसके कारण उसको मंत्री का दर्जा दे दिया, उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया। और कैबिनेट मंत्री बनकर वो क्या काम कर रहा है? कैबिनेट मंत्री कोई छोटी मोटी बात है, एक विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री होना मतलब मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बजट बनाना, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर योजना बनाना कि किस विभाग में कितना आवंटन करना, ये इनके अधिकार से प्रमाता है। तो ये बताओ कि मंत्री होने के नाते क्या तू आवंटन लेके आया हमारे क्षेत्र में, क्या बजट लेके आया हमारे क्षेत्र में? और ये व्यक्ति, इसके पास तीन तीन विभाग है, एक घुमकल जाति, एक सामाजिक न्याय और एक पशुपालन। पशुपालन विभाग का मंत्री होकर जब एक पत्रकार ने पूछा कि हमारे यहाँ लंपी बीमारी आई है, जानवरों में घुमड़े होकर मर रहे हैं, तो आपने कौन से इंजेक्शन के इसकी क्या तैयारी करी? तो क्या मैं बताऊंगा, डॉक्टर बताएगा, ऐसे करके उसको पत्रकार को ढाक दिया। इस व्यक्ति की नोटशीट पर उन जानवरों के लिए जो इंजेक्शन है कौन सी कंपनी का खरीदा है, इसकी स्वीकृति इसकी नोटशीट भी हुई होगी, लेकिन अब मालूम ही नहीं है। तो
वह कैसे बताएगा? और बोल, हम आज देखे तो विकास बहुत तेजी से हो रहा है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई? मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए तरस रहे लोग। ये कैसा विकास इस जिले का, इस विधानसभा का? ये विधानसभा हमारी अलग अलग तीन क्षेत्रों में बटी हुई है। इसके मंत्री होने की बात करें, ये पशुपालन मंत्री है। पशुपालन मंत्री होने के नाते जो लंबी बीमारी में जो जानवर मरे, एक भी व्यक्ति को उन जानवरों का मुआवजा तो नहीं दिया, पंजा में नहीं बनाए, कैसे मरे वो? उसके आगे किसी भी व्यक्ति, इसने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में, शहरों में किस व्यक्ति को कोई पशुपालन विभाग से कोई लोन दिलवा दिया हो, बकरी पालने का, पोल्ट्री फार्म खुलाने का, डेयरी फार्म खुलाने का, भैंस पालन खोलने का, गाय पालने का, कोई भी दिया? उल्टा हमारे यहाँ जो दो गौशाला है वहाँ चारे के अभाव में गाय माता मर गई। गाय को बात, गाय माता की बात करते हैं, कितनी गाय मरी हमारी बंदाम गौशाला में, पत्रकारों ने छपा है उस चीज को। तो साथियों, ये चुनाव इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्र की बात को नमदारी से नहीं उठाएगा तो हम हमारे क्षेत्र के विकास की उम्मीदें छोड़ दो। हमारे यहाँ जैसा है वैसे ही चल रहा है। तो नर्मदा की वैली की वजह से उपजाऊ कृषि भूमिया है और एक क्षेत्र शहर है, यहाँ व्यापार और काम धंधों पर, व्यापार यहाँ व्यापार के आधार पर शहरों की आजीविका चलती, यहाँ बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी होने के नाते आज व्यापारी की दुकानें चल रही है। नहीं तो उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अभाव के कारण गुजरात और महाराष्ट्र प्लान कर रहे हैं। ये जो अर्थव्यवस्था है वो चक्रीक्रम है। जब गरीब व्यक्ति की जेब में पैसा आएगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो व्यापारियों का दुकानदारी भी चलेगी। लेकिन यदि किसान के 3 किलोमीटर दूर है जहाँ इनका मुख्यालय मेरी माता, वहां पर प्रेम सिंह की घुटना गर्दी नहीं चलेगा, करके नारे भी लगाए हमारे लोगों ने भी। उसके बाद अगले दिन मैंने कहा कि आप पता करो प्रेम सिंह के अभी मेरे जमीन जमीन है, कर्जा माफ हुआ कि नहीं। तो प्रेम सिंह जी की 4 पत्नियां हैं, उसमें से 2 पत्नी कमली भाई और आसमा भाई का 1,77,000 के आसपास कर्जा माफ हुआ है। और केवल प्रेम सिंह के 3 लड़के, एक का नाम बलवंत सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक हिम्मत सिंह और एक भाया जो उसका नाम सुर सिंह है, उन तीनों के भी कर्जे माफ हुए। इस प्रकार से उनके परिवार में लगभग 7.5 लाख रुपए के कर्जे किसानों, कांग्रेस सरकार ने माफ करे थे। इसी ये जो बातें कहने की बात यह है कि देखो साथियों, ये झूठ और बोलोगे तो सबके सामने आएगा। हमने ये घोषणा सबके सामने कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था। और तो किसानों के कर्जे माफ हुए, मेरे नहीं हुए, चंदू भाई के नहीं हुए, तुलसी भाई के नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, तो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं तो हमारे कर्जे माफ जरूर नहीं हुए, लेकिन प्रेम सिंह और उसके पूरे परिवार के कर्जे माफ हुए। अब ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, हमने हमारे यहाँ भोले वाले लोग हैं। और ये नर्मदा का क्षेत्र है और बड़वानी शहर सदा कांग्रेस को अच्छी लीड देता है और कभी कभी पार्टी और चुनाव क्षेत्र से माइनस होते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा बदलाव पार्टी और चुनाव क्षेत्र में आया है। यहाँ पर लोग इनके आतंक से मुक्ति होना, मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग बड़वानी वाले और नर्मदा क्षेत्र वाले